करते हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका की, जहां दिग्धी स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज व 500 बेड का बन रहा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण करने विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग अरुण कुमार सिंह दुमका पहुंचे। उनके साथ संयुक्त सचिव, परियोजना निदेशक और कई स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने 500 बेड के अस्पताल को 15 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में चल रहे कार्यों का जायजा लिया, साथ ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक कर मेडिकल कॉलेज में मूलभूत सुविधा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव सिंह ने कहा कि वर्तमान में 196 मेडिकल छात्र पढ़ रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 100 छात्र का एडमिशन होगा, इसलिए कंपनी को निर्देश दिया गया है कि 15 अक्टूबर 2022 तक हर हाल में कार्य पूरा कर ले। मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में 192 स्टूडेंट थे और प्रति वर्ष 100 बच्चों की यहाँ पे प्रविष्टि हो रही है। काम तेजी से चल रहा है और डायरेक्शन दिया गया है कि 15 अक्टूबर तक इस कार्य को हर हालत में संपन्न कराएं और हमारे दुमका के उप विकास आयुक्त इसका मुख्य कार्य अपने पर्यवेक्षण में करवाएंगे। उन्हें दायित्व दिया गया, छोटे छोटे इशूज थे स्टूडेंट्स के, उन इशूज़ को भी रिजॉल्व किया गया ताकि एक अच्छा माहौल तैयार हो सके बच्चों के लिए। उन्हें पुस्तकालय की फैसिलिटी, पेयजल की फैसिलिटी, उनके कैफेटेरिया की फैसिलिटी, जिम की फैसिलिटी, सब पे हमने बातचीत करी है और समस्या के समाधान के लिए बहुत ही सकारात्मक निर्णय लिए गए। जल्दी ही हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे और